नव बौद्ध बौद्ध, मतलब मुझे हंसी आती है कि आदमी भारत में किसी को बुद्धिस्ट या बौद्ध मानने से डरता बहुत है। अक्सर मैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देखता हूँ तो चर्चाएं आती है, ये नव बौद्ध ऐसे हैं और अम्बेडकरवादियों को तो भीमटे भीमटे बोलते रहते हैं। तो ये जो नव बौद्ध वाला शब्द है या बौद्ध वाला शब्द है, दरअसल पहली बात तो बौद्ध जो शब्द है वो पाली भाषा के अंदर है ही नहीं, ये संस्कृत शब्द है, यानी बोधि का बौद्ध बनाया गया है, संस्कृत शब्द है। मगर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लोग ऐसा बोलते हैं, क्या कारण है, उसको समझें जरा। अगर आप किसी व्यक्ति से ये कहते हो कि मैं भारत के पुराने महाभारत के, अशोक के महाभारत के समय का बोधि वाला धम्मिक आदमी हूं, जिसको बौद्ध कहते हैं या बुद्धिस्ट कहते हैं, तो उस आदमी का सामने वाले का अगर मत आपसे नहीं मिलता है तो उसका मुंह बड़ा छोटा सा हो जाता है, चूहे जैसा, फिर उसका दिमाग चलने लगता है। तो वो सबसे पहला प्रश्न कहता है, बाबा साहब अंबेडकर के बाद 1956 में बने थे क्या? अरे भाई, बाबा साहब ने 1956 में 10 लाख लोगों के साथ में धम्म की दीक्षा दी, लोगों को बताया कि वो धम्म जो है वो भारत का प्राचीन धम्म है। क्या तुम इस बात को नकारते हो कि अशोक के समय यहाँ प्राचीन धम्म जो भी था, या बुद्ध के समय कोई बुद्ध का धम्म था ही नहीं, या इस बात से डरते हो? तो आदमी थोड़ा सा सकुचा जाता है, वो कहता जी हाँ, हम तो शायद बाबा साहब के बाद बने हैं। अरे भाई, आप पूरी जानकारी लो कि आप, बाबा साहब ने तो आपको सिर्फ याद दिलाया है कि आपका घर ये है, आप उस घर में वापस आए। बाबा साहब ने कोई धम्मांतरण नहीं किया है, बाबा साहब ने सिर्फ धम्म की जानकारी दी है, धम्म के बारे में बताया है, घर वापसी की है, उन्होंने खुद लिखा है बार 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 बार, ये हमारा प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत के सभी लोगों का, ईरान से लेके बर्मा तक के, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, ये सबका उस समय का पुराना धम्म है, पुरानी मान्यता है, पुरानी फिलॉसफी है, पुराना चीज है। तो जब कोई आपसे पूछे कि 1956, तो आप उसको 1956 की बजाय और 2600 साल पीछे लेके जाइए। जब आप पीछे 2600 साल 2500 साल पहले लेके जाएंगे, फिर वो आपसे सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, ब्राह्मण है, तो वो बुद्ध की पद्धति को नहीं जानता, वो जो यहूदियों की पद्धति है, जो यरूशलम की पद्धति है, उसको जानता है। और अगर वो यहीं का है तो उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि अशोक के समय में ना तो ईसाई शब्द था, ना हिंदू शब्द था, ना ही मुसलमान था, ना ही सिख था, ना ही यहाँ कोई ऐसा जो आज के समय में कोई बाबा का या कोई संप्रदाय का कोई शब्द चलता है, पूरे साहित्य में है ही नहीं, क्योंकि उस समय सिर्फ महावीर और या बुद्ध, ये दो ही हुआ करते थे, इनकी दो ही पद्धति थी, और भी छोटे मोटे कोई कुल या आश्रम होते होंगे, मगर उनकी इतनी मान्यता थी नहीं, क्योंकि उनकी जो नॉलेज थी वो सम्मा यानी सम्यक यानी पूरी नहीं थी। तो वो कहेगा जी नव बौद्ध, अरे भाई तेरा और हमारा लेना क्या है, जब तू बुद्धिस्ट को, कोई फिलोसफी को मानता नहीं, बोधि की बात को मानता नहीं, बुद्ध से तुझे चिढ़ है, बुद्ध से तुझे परेशानी है, तो हम क्या हैं क्या नहीं है उससे तेरा क्या लेना देना है, तू क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है? भाई तू अपने समुदाय में जा, अपने संप्रदाय में जा, अपने लोगों से बात कर, अपनी बात कर, तुझे हमसे क्या लेना देना है? हम नव हैं, हम पुराने हैं, हम अशोक के समय के हैं, हम बाबा साहब के समय के हैं, हम भारत के हैं, हम मूल निवासी हैं, तेरा क्या लेना देना है, तू अपना देख जाके क्या है क्या नहीं। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग पे जानबूझ के ऐसा एक प्रचार किया जा रहा है, बार बार नव बौद्ध नव बौद्ध नव बौद्ध किया जा रहा है। फिर वो पूछते हैं कि आप परंपरावादी बौद्ध हैं, परंपरावादी का मतलब है कि जो वज्रयान या जो तंत्रयान है उसको मानने वाले, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं कि वो पूजा वगैरह करते हैं, दरअसल वो कोई पूजा वूजा नहीं करते हैं, वो सारा जो तंत्रयान वज्रयान या जो भी धम्म है वो सबका एक ही रास्ता है, विधि सबकी भूगोल के हिसाब से, समय के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अलग अलग होती है, अंतर कुछ नहीं है, धम्म एक ही है, बुद्ध एक ही है। सारा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं अगर मूर्तियाँ भी हैं तो वो भी बुद्ध की कहानी से ही इंस्पायर्ड होकर बनाई गई हैं, कहीं कोई नाम है मोटा पतला छोटा तो वो भी बुद्ध से इंस्पायर होकर बनाया गया है, बुद्ध का बहुत बड़ा साहित्य है। इसलिए कोई कहता है परंपरावादी है तो आप कह दो यार हम परंपरावादी हैं या गैर परंपरावादी हैं, तुम्हें क्या लेना देना है इससे, तुम्हें क्या मतलब है यार, तुम अपना देखो कि तुम्हारा परंपरा क्या है, तुम्हारी परंपरावादी क्या है क्या नहीं। हम कभी पूछे तुमसे, हमने कभी तुमसे सवाल किया तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या बात है, ये चीज़ क्या है क्या नहीं, इसका इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या, कभी पूछा हमें? यार हमारी तरह समझदार बनो, जब हम तुमसे कोई मतलब रखते नहीं, पूछते नहीं,
तो हमसे बार बार हमारे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ भाई, अपना काम करो, अपनी तरफ देखो, अपना देखो, हम क्या है क्या नहीं, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। ये सीधा सा जवाब है, क्योंकि अगर आप उनसे कहोगे, बहस करोगे, उनके बारे में पूछोगे, तो भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, और अपने बारे में उन्हें बताओगे तो भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। समय खराब होगा, रिश्ते खराब होंगे, संबंध खराब होंगे। इसलिए उनसे कहोगे आप अपना करो, हमें अपना करने दो, हमारी और आपको नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami, 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 Gacchami,